आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों को निचली अदालत से तय करने को कहा, आज देर शाम या कल सुबह तक हो सकती है जेल से रिहाई। ईडी की ओर से संजय सिंह की जमानत का नहीं किया गया विरोध, अक्टूबर 2023 में की गई थी गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने केजरीवाल के घर हुई बैठक, मीटिंग में मौजूद रहे 55 विधायक 6 मंत्री। बैठक के बाद बोले सौरभ भारद्वाज का, सुनीता भाभी ने सभी ने की गुजारिश, सीएम पद पर बने रहे केजरीवाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुलाकात में उन तक पहुंचाई ये संदेश। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ज्वाइन नहीं किया तो एक महीने में करा देंगे गिरफ्तार। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने उनके घर पर जल्द ईडी की रेड होने की आशंका जताई, कहा हम सबको समन भेजे जाएंगे फिर गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने की आशंका जताई, खुद के साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा का नाम भी लिया। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने बीजेपी को दी चुनौती, बोली जेल में जाने के बाद भी नहीं झुकेंगे, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। आतिशी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जताई गिरफ्तारी की आशंका, कहा रामलीला मैदान की रैली से बौखला गई बीजेपी। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा विपक्षी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा। बीजेपी ने आतिशी और सौरभ के आरोपों पर किया पलटवार, कहा केजरीवाल ने आतिशी सौरभ को फंसाया। बीजेपी ने आतिशी पर लगाया ढोंग रचने का आरोप, कहा आतिशी बताएं किसने दिया ऑफर। बीजेपी ने आप पर लगाया पुराना राग अलापने का आरोप, कहा डर क्यों रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। बेंगलुरु के शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने शिरकत की, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की जनता से की बीजेपी अलायंस को बड़ी जीत दिलाने की अपील, 60% वोट और 28 सीटों पर जीत का नारा दिया। 51% से काम नहीं होता, 60% और 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर जबलपुर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा मोदी जी के आने से राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन आया है। ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के बीच उत्तराखंड की औद्योगिक नगरी रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, मंच पर महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने पीएम मोदी को पेंटिंग गिफ्ट की। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार सभा को बताया विजय सभा, कहा इतने लोग आए हैं पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया। धूप में खड़े कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने माफी मांगी, कहा मैं आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं विकास के रूप में लौट आऊंगा। जो धूप में तप रहे हैं ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में बीजेपी सरकार की ओर से किए गए विकास के कामों को गिनाया, कहा जब नियत सही होती है तो ऐसे ही काम होते हैं, नियत सही तो नतीजे भी सही।